Welcome back, friends. In this video, we are going to, as I told you, that we will be discussing and developing a small application in which we will write to a file in the local file system of the device, and we will read the data which we have written from that file. Okay. In both cases, the file will be stored in the application folder of our application. So, as you know, that here in the device explorer, we can explore that where the application and its folder are stored. As I told you and show you that in device explorer there is one folder named data, and inside that data folder there is yet another data folder, okay, and here you have to locate the package or a folder which reflect your package name, that is com.example.v4u demo. Okay, inside this the application data folder is available, then different folders, as you know, cache folders, files folder, all these folders are available here. Okay, so let's start with this application. And हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा लेआउट है उसमें एक टेक्स्ट व्यू रखेंगे जो है ही उसमें. ओके, एक टेक्स्ट व्यू जो है इसमें ऑलरेडी और इस टेक्स्ट व्यू को सेंटर हॉरिजॉन्टली करेंगे, ट्रू, और फिर उसके नीचे दो बटन्स रखेंगे. एक बटन जिसको हम कहेंगे राइट डेटा, ओके, और दूसरे बटन को कहेंगे रीड डेटा. बटन आईडी बटन 3 ओके. पहला बटन राइट के लिए, दूसरा बटन रीड के लिए. और एक और चीज़ हम करते हैं यहाँ पे कि जो हमने टेक्स्ट व्यू ऊपर लिया है, ओके, टेक्स्ट व्यू को हमने ऊपर लिया है, उस टेक्स्ट व्यू को हम नीचे ले लेंगे, ठीक है. और उसमें शो करना है, टेक्स्ट व्यू में केवल शो करेंगे, तो टेक्स्ट व्यू को हम नीचे ले लेते हैं. ओके, और बटन वन जो है, बटन टू के बटन टू के राइट में बटन थ्री को रखेंगे, राइट ऑफ बटन टू. ओके, और ये टेक्स्ट व्यू को हम बिलो रखेंगे बटन टू के, बटन टू और बटन थ्री. अब बटन टू जो है हमारा राइट वाला, इसके ऊपर एक एडिट टेक्स्ट रखना है मेरे को, एडिट टेक्स्ट. ओके, फेंटर ट्रू, और टेक्स्ट साइज 5 dp, और इसका आईडी रखेंगे txt डेटा. ओके, और मार्जिन
सेट करेंगे 20 dpi, ठीक है, और इस बटन को उसके नीचे रखना है, ओके। और ये जो दूसरा बटन है वो जो राइट ऑफ रखा है हमने, दूसरे बटन को हमने राइट ऑफ रखा है, लेकिन उसको बिलो रखा है हमने टेक्स्ट 4 के, इसके बजाय इसको बिलो रखना है अपने को टीएक्सटी डेटा के, जिससे रीड राइट बटन दोनों बाजू बाजू में आ जाए, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले अपना एडिट व्यू, नीचे राइट रीड, और लास्ट में हमारा टेक्स्ट व्यू। और अगर हम इस दोनों बटन को सेंटर में रखना चाहते हैं तो एक लीनियर लेआउट लेना पड़ेगा, उसको अपने बिलो रखेंगे दोनों बटन को लीनियर लेआउट के अंदर, और उस लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल और सेंटर इन हॉरिजॉन्टल ट्रू। मार्जिन ये बिलो बिलो कुछ शायद नहीं आएगा उसमें, राइट रीड, ओके, मार्जिन भी हम छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, जैसा था वैसा कर देते हैं। मतलब कि लीनियर लेआउट हमें नहीं लेना है, ठीक है, जो था वैसा ही रखते हैं, ठीक है। ऊपर का जो एडिट व्यू है उसमें हिंट रखते हैं एंटर डेटा, ओके, और टेक्स्ट व्यू जो है उसमें टेक्स्ट रखते हैं कंटेंट्स ऑफ फाइल, ठीक है, ओके। नाउ हम क्या करेंगे, थोड़ा इसका साइज कम करना चाहिए हमें, टेक्स्ट व्यू में 15 dpi, ओके, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे दो मेथड डिफाइन करते हैं हम, एक राइट करने के लिए राइट डेटा फाइल में राइट करेंगे, और एक रीड डेटा फाइल में से रीड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले बटन में ऑन क्लिक राइट डेटा, और दूसरे बटन में
read data. Done. अब हमें क्या करना है, फाइल में राइट करना है. तो ट्राई ब्लॉक में जैसा कि हमने देखा था, ट्राई ब्लॉक में लिखना पड़ेगा एंड फॉलोइंग ट्राई ब्लॉक शुड बी अ कैच ब्लॉक. टेक्स्ट व्यू तो ऑलरेडी हमने रिट्रीव किया हुआ है, टेक्स्ट व्यू. ओके, डॉट टू स्ट्रिंग. ओके, टेक्स्ट व्यू हमने यहाँ पे रिट्रीव किया हुआ है, उसी को हम यूज कर रहे हैं. टेक्स्ट व्यू, फिर यहाँ पे राइट करने के लिए फाइल आउटपुट स्ट्रिंग fs इक्वल टू ओपन फाइल आउटपुट. फाइल का नाम क्या रखेंगे, mjs डेमो मॉड प्राइवेट रखते हैं. ओके, अब उसमें राइट क्या करना है, एडिट टेक्स्ट में जो इनपुट हुआ है वो वहाँ पे राइट करना है. तो एडिट टेक्स्ट भी हमें रिट्रीव करना होगा. एडिट टेक्स्ट डेटा, उसका नाम रखते हैं डेटा, और यहाँ पे उसको रिट्रीव करेंगे. डेटा इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टीएक्सटी डेटा, उसका नाम इस उसका आईडी हमने ऐसा रखा है. यहाँ पे चेक करेंगे इफ डेटा डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स एम्प्टी देन टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट एंटर डेटा. ओके, या फिर हम टॉस्ट में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, टॉस्ट डॉट मैक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, क्योंकि फाइल में राइट करना है तो वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए. प्लीज एंटर सम टेक्स्ट और टॉस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो. ओके, एल्स में हमें वो फाइल में राइट करना है, तो एफ ओ एस डॉट राइट. ओके, अब हमारे पास राइट करने के लिए तीन मेथड्स हैं. हम ये जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं वो हम बाइट स्ट्रीम के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो आपके पास जो डेटा है क्लाइंट ने इनपुट किया है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो आपको उसको बाइट में कन्वर्ट करना होगा. तो एल्स में हम एक से ज़्यादा लाइन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रिंग एक str इज इक्वल टू डेटा, मतलब कि एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग. ओके, और अब ये डेटा को बाइट में कन्वर्ट करके हमको राइट करना है, एफ ओ एस डॉट राइट. फिर str डॉट गेट बाइट्स. ओके, इस तरह से वो राइट होगा और फिर हम उसको क्लोज भी कर देंगे. फाइन, और मैसेज भी दे सकते हैं, डेटा रिटर्न सक्सेसफुली. ओके, तो इतना करके हम ट्राई करते हैं, रीड का कोड बाद में लिखेंगे.
देखो राइट पे क्लिक करता हूँ और डेटा इनपुट नहीं किया है तो प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट। और अगर यहाँ पे मैं डेटा इनपुट करता हूँ मेरा नाम सपोज, ओके, और राइट पे क्लिक करता हूँ डेटा रिटर्न, ओके, फिर मैं कोई दूसरा नाम इनपुट करता हूँ डेटा रिटर्न, ओके, फिर दो नाम मैंने इनपुट किए, ठीक है। अब रीड करने के लिए हम कोड लिखते हैं, रीड करने के लिए, रीड करने के लिए जो लॉजिक है उसमें हम फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी ट्राई और कैच की सीक्वेंस हमें इंप्लीमेंट करनी होगी, कैच एक्सेप्शन की, और यहाँ पे जो लिखा है वही चीज़ उसमें भी लिखेंगे, ओके, यस। फिर फाइल इनपुट स्ट्रीम एस इक्वल टू ओपन फाइल इनपुट, नाम क्या दिया था हमने, वही नाम यहाँ पे भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें रीड करना है, तो रीड करने के लिए भी बहुत सारी मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। जब हम रीड करते हैं तो वो हमें बाइट, एक सिंगल बाइट, बाइट एरे ऐसा रीड करके रिटर्न करता है। यहाँ पे सपोज कि हम बाइट एरे डिफाइन करते हैं, बाइट्स, ओके, इज इक्वल टू FIS डॉट रीड, पूरा बाइट एरे आप रीड करना चाहते हो सपोज, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये रिटर्न करता है नंबर ऑफ बाइट्स रीड, ओके। तो हमें क्या करना होगा, न्यू बाइट, और उसको साइज देनी होगी, सपोज कोई साइज देते हैं हम उसको, और फिर FIS, मतलब ये जावा का ही वो कॉन्सेप्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ओके, विच यू विल फाइंड फैमिलियर इफ़ यू लर्न जावा, ओके। और अब इसको हम टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करते हैं, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट न्यू स्ट्रिंग, बाइट्स, ओके, और उसको हमने डिस्प्ले भी कर दिया। फाइनली FIS डॉट क्लोज, ये तो क्या होगा कि फाइल में से पहले 50 बाइट्स को रीड करने का प्रयास किया जाएगा, पूरी फाइल रीड नहीं होगी, केवल 50 बाइट्स उसमें से रीड करने का प्रयास होगा, क्योंकि हमने केवल एक ही बार रीड ऑपरेशन कॉल किया है, ओके। बट अगर हमें पूरी फाइल रीड करनी है तो वी नीड टू सी, यहाँ पे रीड होके आया, ओके, और क्या रीड होके आया, सेकंड नेम जो मैंने राइट किया था, चिराग जो लिखा था वो नहीं आया। अब सपोज कि मैं यहाँ से यहाँ पे थर्ड नेम लिखता हूँ, राइट करता हूँ, ओके, और अब रीड करता हूँ तो देखो ये नाम आ गया। अब सपोज़ कि फाइल को क्लोज कर दें हम, वापस एप्लीकेशन को क्लोज कर दे, और वापस अगर हम रन करते हैं और रीड करेंगे तो डेटा मिलेगा, ये परसिस्टेंसी है, डेटा इज परसिस्टेड, ओके। बट ये क्या हो रहा है कि जो भी नाम मैं राइट कर रहा हूँ वो एक ही नाम हर बार दिखा रहा है, क्योंकि व्हेन वी आर ओपनिंग अ फाइल फॉर राइटिंग पर्पस, इफ़ द फाइल एग्जिस्ट इट विल बी ओवर रिटन, पिछला जो डेटा है वो ओवर राइट हो जाएगा नए डेटा से। तो हमें क्या करना है, एक्चुअली वी नीड टू अपेंड डेटा, तो यहाँ पे हमें मोड क्या करना पड़ेगा, अपेंड। अब देखो अब हम जो भी राइट करेंगे वो उसमें जुड़ता जाएगा,
ठीक है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करने का प्रयास करते हैं यहाँ से रीड, तो वो नाम आया। फिर सपोज मैं राइट करता हूँ, राइट, वापस रीड, और एक चीज़ राइट करता हूँ, राइट, वापस रीड, ओके। तो ये इस तरह से हमें मिल रहा है डेटा, ओके। और अगर हम स्लैश एन भी इसमें रखें तो अच्छा रहेगा, मतलब कि हर एक नाम अलग अलग आना चाहिए। तो राइट करते वक्त हमें क्या करना चाहिए, जब हम राइट कर रहे हैं तो राइट एक करने के बाद एक स्लैश एन छोड़ दें अगर हम, ओके, यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, स्ट्रिंग यहाँ पे स्लैश एन, तो क्या होगा कि नेक्स्ट लाइन में भी वो चला जाएगा। एन जे एस डेमो वन, ये फाइल हमको कहाँ पे मिलेगी, अभी तो हमें वो फाइल्स फोल्डर ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिवाइस को बंद करके हम वापस रन करेंगे तो वो हमें दिखाई देगा, ओके, कोई बात नहीं। अपलोड भी कर सकते हैं किसी फाइल को, उस अपलोड हुई फाइल को भी हम रीड कर सकते हैं, ओके, कोई बात नहीं, वो सब आपको दिखाऊंगा मैं। अब हमें क्या करना है कि पूरी फाइल को रीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फाइल का नेम बदल दूंगा तो क्या होगा कि फाइल डिलीट दूसरी फाइल बन जाएगी, ठीक है, एन जे एस डेमो वन, और शुरू से लिखेंगे उसमें। अब हर एक कैरेक्टर मुझे रीड करना है शुरू से अंत तक। अभी तो क्या हो रहा है कि 50 बाइट्स को ही हम रीड कर रहे हैं, तो 50 बाइट्स में ये तीनों नाम आ रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हम लिखे विजय नाथ चौहान राइट किया फिर रीड, ओके, रीड, ये भी आ गया, देखो अब जो वापस लिखा वो नहीं आ रहा है क्योंकि हमने केवल 50 बाइट्स को ही रीड किया है, ओके। लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी फाइल में बहुत कुछ लिखा है तो हमें शुरू से अंत तक सब कुछ उसमें से रीड करना है, ओके। और ऐसा करना है तो हमें फर्स्ट कैरेक्टर से, फर्स्ट बाइट से लेकर लास्ट बाइट तक सब कुछ रीड करना है। देखो ये बाकी का कुछ रीड ही नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करेंगे, सब कुछ रीड करने के लिए एक एट ए टाइम सिंगल बाइट रीड करेंगे, और वो कैसे बताता हूँ। एक वाइल लूप चलाएंगे हम, इसको मैं अभी कमेंट दे देता हूँ, इसको भी कमेंट, और एक स्ट्रिंग बफर का यूज़ करूँगा, बफर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और फिर
यहाँ पे एक इंटीजर सी एच बाइट्स के लिए, और वाइल सी एच इज इक्वल टू एफ आई एस डॉट रीड इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, तब तक एफ आई बफर डॉट अपेंड कैरेक्टर एफ आई एस डॉट रीड सिंगल बाइट रीड होगा और वो कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा और बफर में अपेंड होगा, और फाइनली हम टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले क्या करेंगे, बफर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे नाम बदल के नई फाइल, और यहाँ पे भी नेम बदल के नई फाइल, ये क्या हो रहा है, सी एच इज इक्वल टू एफ आई एस डॉट रीड इज नॉट इक्वल टू, जब एंड ऑफ फाइल आता है तब माइनस वन हो जाता है, माइनस वन रिटर्न होता है, तो बफर डॉट अपेंड कैरेक्टर ऑफ एफ आई एस डॉट रीड, ओके, और न्यू स्ट्रिंग बफर इक्वल टू माइन, अच्छा दो बार हमने यहाँ पे रीड कॉल किया है ना, इसलिए एक कैरेक्टर ऑल्टरनेट कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहा था, इसलिए यहाँ पे हमें डिस्प्ले करना है सी एच। देखो सभी नाम आ रहे, ठीक है, ओके। अगर हम एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं और वापस रन करते हैं तो भी डेटा उसमें रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरी फाइल को रीड कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको एक इसी तरह का लॉजिक मैंने आपको जब डाउनलोड मैनेजर डिस्कस किया था हमने तो बताया था कि हम पूरी फाइल को किस तरह से रीड कर सकते हैं, ठीक है। और भी तरीके हैं रीड करने के, जैसे कि हम बफर्ड रीडर का भी यूज़ कर सकते हैं,
और राइड किसी और जगह पे भी राइड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई txt फाइल है, अगर सपोज मेरे पास है txt फाइल, ये मेरा जी ड्राइव में देखिए यहाँ पे बहुत सारी टेक्स्ट फाइल्स है, ठीक है। तो अगर ये डेफिनेशंस वाली फाइल है, ओके, उसको मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है, अपने इस डिवाइस पे। यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे, फाइल्स ऑलरेडी है लेकिन वो दिख नहीं रहा है हमें। एप डेटा, उसके अंदर एक फाइल में अपलोड करता हूँ। कौन सी फाइल अपलोड करूँगा, तो मैंने आपको बताया था कि हम अपलोड करेंगे ट्वेंटी में डेफिनेशंस नाम की फाइल, ये वाली देखो, इसको मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे। और इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये वो आउट, ये वो चीज़ है। अगर इस फाइल को हम रीड करना चाहते हैं तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जहाँ पे हम रीड कर रहे हैं, ओपन फाइल इनपुट, अगर पहले मैं यहाँ पे उस फाइल का नाम दूँ, तो क्या वो रीड हो पाएगी, नहीं, क्योंकि ये ओपन फाइल इनपुट जो है वो कहाँ पे ढूंढता है फाइल को, फाइल्स फोल्डर में, और हमने उसे कहाँ पे रखा है, एप फोल्डर में। फाइल नॉट फाउंड, ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, पहले फाइल इक्वल टू गेट डेटा डायरेक्टरी, ओके, रिक्वायर्स मिनिमम करंट, तो हमने वीडियो में तो देखा था गेट डायरेक्टरी डेटा और मोड, प्राइवेट, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम ओपन फाइल इनपुट नहीं करेंगे, ओपन फाइल इनपुट करेंगे तो वो एक ही जगह से रीड करता है, फाइल्स फोल्डर में से। हमें कहाँ से रीड करना है, अभी ये हमने जो स्टोर किया है, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और वहाँ पे आपको पास करना है फाइल, ओके। अब हम रीड करेंगे,
फाइल मतलब इस फाइल का रेफरेंस। इसमें और एक चीज पास करनी है हमें, फाइल इज इक्वल टू फाइल और स्ट्रिंग नेम, तो फाइल डॉट गेट एब्सोल्यूट गेट पाथ, और उसमें कॉन्केट करना है फाइल नेम डेफिनेशंस डॉट टीएक्सटी। ठीक है, पूरी फाइल यहाँ पे रीड होके आ गई और ये फाइल डायरेक्ट हमने अपलोड की है। वैसा ही कुछ किया कि जो हमने डाउनलोड मैनेजर के द्वारा जो फाइल डाउनलोड की थी उस फाइल का यूआरआई लेकर हमने उसको शो किया था। अगले वीडियो में हमने वो देखा था जब डाउनलोड मैनेजर का एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था तब। ओके, ऐसा ही कुछ हमने तब किया था। सी, यहाँ से रिमूव कर दिया है वो लॉजिक, बट हमने ऐसा ही कुछ किया था इसमें और यहाँ पे भी। बट आपको जो देखने की चीज़ है वो क्या है कि फाइल को रीड करने का लॉजिक वेरी सिमिलर एंड इट इज़ एग्जैक्टली दैट वन जो आप जावा में करते थे, वही चीज़, वही वाइल लूप। ओके, और वही चीज़ पूरी फाइल को रीड करना है कि वाइल लूप चलाएंगे, एट ए टाइम वन बाइट हम रीड करेंगे। ओके, इस तरह से, और फिर डिस्प्ले करते वक्त उस बाइट को हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम फाइल को रीड कर सकते हैं किसी भी लोकेशन से, लेकिन पाथ आपके पास उसका सही पाथ होना चाहिए। हमने अभी डेटा फोल्डर में से रीड किया, ऐप डेटा फोल्डर में से, तो पहले मैंने डेटा फोल्डर का पाथ एक फाइल ऑब्जेक्ट में स्टोर किया, फिर फाइल इनपुट स्ट्रीम को मैंने ओपन किया उस फाइल को रीड करने के लिए जो इस फोल्डर में है। और वो कैसे ढूंढा, पहले तो मैंने फोल्डर का पाथ एक्सेस किया फाइल डॉट गेट एब्सोल्यूट पाथ, फिर उसमें कॉन्केट किया फाइल का नेम, तो जो पूरा पाथ बनता है वो फोल्डर नेम प्लस स्लैश और फाइल नेम बनता है, तब जाके हम इस फाइल को रिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बफर रीडर के द्वारा हम कैसे रीड कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ बताऊंगा कि हम किसी भी लोकेशन में कैसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, थीके?